नमस्ते भारत WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक मदद करें। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं रवि भवन परिसर में हूँ और रवि भवन परिसर के ये कुटीर क्रमांक 23 में मैं अभी इस वक्त हूँ। आप देख सकते नव नियुक्त विधानसभा के जो विरोधी पक्ष नेता है विजय वडट्टीवार, इनका ये कुटीर है और यहाँ पे पहली बार जब वो यानी विरोधी पक्ष नेता बने उसके बाद पहली बार उनका कल यानी उनका नागपुर में आगमन हो रहा है। वाड़ी का एकमात्र स्थान डॉली मोबाइल शॉप की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी मोबाइल खरीदने पर स्मार्ट वॉच व ईयरबड्स फ्री। आप ऑनलाइन मोबाइल खरीदी करते हैं उससे भी कम दाम में, तो आइए डॉली मोबाइल शॉप में। यानी बुधवार को नागपुर में आगमन हो रहा है और देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से ये तैयारी शुरू है। यहाँ पे इनकी नेम प्लेट भी यहाँ लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं विजय वडट्टीवार विरोधी पक्ष नेता विधानसभा करके यहाँ पे नेम प्लेट भी लगाई जा रही है। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से उनकी उनके स्वागत के लिए उनके जो कुटीर है 23 नंबर कुटीर है उस परिसर में किस प्रकार से पंडाल दिखाई दे रहा है। दोनों साइड में देखें किस प्रकार से एक बड़ा एक पंडाल दिखाई दे रहा है जिसको जहाँ पे कार्यकर्ता भी रहेंगे और कार्यकर्ता यहाँ पे उनका स्वागत करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद पहली बार उनका नागपुर में आगमन हो रहा है विजय वडट्टीवार इनका। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सुमित भालेकर यानी महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के वो सचिव है उनके उन्होंने भी उनका उनके स्वागत के लिए ये फलक लगाया है। आप देख सकते आप यहाँ पे ये सुमित भालेकर जी है जो सचिव है महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के। अभी मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगा, अंदर का भी नजारा दिखाऊंगा। ये देखो, ये देखिए यहाँ पे सब ये 23 नंबर कुटीर में सब बदला जा रहा है। विजय वडट्टीवार जो है विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता है वो आने वाले हैं, इसलिए ये इनका जो कुटीर है ये कुटीर को पूरा सजाया जा रहा है और सब जो वस्तुएं है सब नई लगाई जा रही है। ये देखिए पूरी तरह ये काम शुरू है। इधर मैं आपको इधर का भी बताना चाहूंगा, ये देखिए ये इधर भी काम ही शुरू है। पूरी जय्यत तैयारी यहाँ पे नागपुर में शुरू है। देखिए यहाँ पे भी आप मैं दिखाना चाहूंगा कि ये यहाँ पे सब जो चेयर है कैबिन है यहाँ पे पूरी नई चेयर व्यवस्था की गई है। और इधर भी देखिए इधर भी पूरा नई व्यवस्था यहाँ पे की गई है। कुटीर नंबर 23 में ये सब पूरी व्यवस्था की गई है। इधर इधर भी आप देख सकते हैं पूरी तरह यहाँ पे ये जो है यहाँ पे भी पूरा यानी पूरी तरह चेंज किया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये यहाँ पे वो जो रहेंगे आप देख सकते हैं। ये भी देखिए यहाँ पे एक बड़े बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है। चाहूंगा ये देखिए पूरी तरह यानी स्वागत के लिए विरोधी पक्ष नेता जो हमारे नागपुर के एक सुपुत्र भी है वो विजय वडट्टीवार उनका ये कैबिन है। मैं मेरे साथ में कुछ उनके कार्यकर्ता भी है, हम उनसे भी जानेंगे हम उनसे भी एक जानेंगे कि किस प्रकार से ये तैयारी शुरू है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ में युवक कांग्रेस प्रदेश युवक कांग्रेस के सुमित भालेकर जी है जो प्रदेश युवक कांग्रेस के सचिव है। क्या बताना चाहूंगे, बुधवार को यानी कल 9 अगस्त और 9 अगस्त ये क्रांति दिवस है और उसी दिन विजय वडट्टीवार जो नव नियुक्त विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता है वो नागपुर आ रहे हैं और उसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से शुरू है। क्या बताना चाहूंगे, ऐसा है कि हमारे सन्माननीय आमदार माननीय श्री विजय जी वडट्टीवार साहब विरोधी पक्ष नेता महाराष्ट्र विधानसभा
कल नागपुर इनका प्रथम आगमन है विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद, तो उनके आगमन के प्रत्यर्थ हमने रवि भवन में कुटीर नंबर 23 में सारे कार्यकर्ता हमारे जितने भी है, शहर से आने वाले, जिले से आने वाले, प्रदेश से आने वाले, विदर्भ से आने वाले, उनकी सबकी व्यवस्था हमने यहाँ करी है और सब लोग सब में खुशी का माहौल है। देन हमने कल जैसा साहब 11 बजे एयरपोर्ट पे आएंगे, एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद सीधा वो संविधान चौक जाएंगे, संविधान चौक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद लेके नमन करके सीधा रवि भवन में दाखिल होंगे और देन सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनका जंगी स्वागत कार्यकर्ता सब उनका करेंगे, ऐसी हमारी कल की तैयारी है। युवा कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता रहेंगे और किस पे रहेंगे हो, यानी टू व्हीलर रहेगी या पैदल निकले के बाद? कल युवक कांग्रेस का फाउंडेशन डे है तो हमारे कुछ कार्यकर्ता जो है वो रैली लेके सर का स्वागत, भाव का स्वागत करने के लिए आएंगे। एयरपोर्ट से बहुत सी गाड़ियों का ताफा रहेगा और ऑलमोस्ट बहुत बहुत यूथ कल नागपुर में इकट्ठा होगा, रवि भवन में इकट्ठा होगा। महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी गण सब कल सब रवि भवन में आएंगे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी कल साहब से मिलने आएंगे। बस यही हमारे कल के कार्यक्रम की रूपरेखा है। ये आपके जो प्रदेश के अध्यक्ष है कुणाल राउत वो भी रहेंगे और विकास ठाकरे जी के जो सुपुत्र है वो भी रहने वाले हैं क्या? हाँ, सभी रहेंगे क्योंकि हमने देखिए ऐसा है कि साहब जो है ये पार्टी के विरोधी पक्ष नेता है, महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता है, तो ऑलमोस्ट पार्टी के सभी लोगों को लोग यहाँ पर रहेंगे, सभी लोग भाव का स्वागत करने आएंगे, शुभकामनाएं देने आएंगे। क्या मैं बताना चाहूंगा आपको कि कल 9 अगस्त है और 9 अगस्त को यानी बुधवार का दिन है, 9 अगस्त है और बुधवार के दिन क्रांति दिवस के उपलक्ष में जो विजय वडट्टीवार है जो विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता, उनका विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद प्रथम आगमन नागपुर में हो रहा है, एयरपोर्ट पे आएंगे, एयरपोर्ट से सीधा वह संविधान चौक पे आएंगे और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले को माल्यार्पण करके सीधे वो रवि भवन कॉटेज क्रमांक 23 में आएंगे और यहाँ पे मैंने आपको पूरा दिखाया कि किस प्रकार से कॉटेज नंबर 23 किस प्रकार से सजाया जा रहा है, हमने आपको पूरा नज़ारा दिखाया वहाँ का और यहाँ पे भी हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पे तैयारी की जा रही है, यानी वडट्टीवार इनके स्वागत के लिए किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है और ये पहली बार विधानसभा के कॉटेज नंबर 23 पे की जा रही है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, तो बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।